अजय देवगन की सरप्राइज हिट मूवी दृश्यम 2 का मैजिक देश भर में सिर चढ़कर बोल रहा है। मूवी 18 नवंबर को रिलीज हुई थी, तब से लेकर अब तक इसकी धुआंधार कमाई का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। मूवी ने करीब 2 हफ्ते की विंडो में 100 करोड़ का मैजिकल आंकड़ा भी टच कर लिया है। एज वी ऑल नो, इस मूवी को 2021 की ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म से अडॉप्ट किया गया था और हिंदी में रीमेक किया गया था, जिसमें मोहनलाल ने लीड रोल प्ले किया था। दोनों ही फिल्मों को ऑडियंस ने भरपूर प्यार दिया है और डिफरेंट लैंग्वेज होने के बावजूद दोनों का जो कलेक्शन आया है उसको देखते हुए मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट को अनाउंस कर दिया है, जो कि अजय देवगन के फैंस और मोहनलाल के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एक्चुअली हिंदी बेल्ट में इस मूवी ने जिस तरह का कलेक्शन किया है, बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों को बायकॉट किया जा रहा था और अजय देवगन की 2 फिल्में ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी थी। इसके बावजूद जो मोमेंटम इस दृश्यम 2 को मिला है उसको लेकर प्रोड्यूसर कुमार मंगत वायकॉम 18 के हौसले बढ़ चुके हैं और उन्होंने मलयालम मूवी के प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग की है और डिस्कस किया कि दृश्यम 2 की स्क्रिप्ट को जल्दी डेवलप किया जाए, बिकॉज इस मूवी की फ्रेंचाइजी पब्लिक को बहुत पसंद आने लगी है। पार्ट 1 जितना चला था उससे बहुत आगे निकल चुकी है पार्ट 2। ऐसे में प्रोड्यूसर को उम्मीद है कि पार्ट 3 बनेगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। इतना ही नहीं, दोनों प्रोड्यूसर्स ने मिलकर तय किया है, यानी मलयालम और हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर ने डिस्कशन किया है कि कुछ इस तरह से मूवी प्लान की जाए ताकि दोनों मूवीज को सेम डेट पर रिलीज करें, ताकि ऐसा ना हो कि किसी और लैंग्वेज में आने वाली मूवी पहले देख ली जाए और उसका रीमेक वर्जन लोग बाद में देखें। इसलिए दोनों प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि मूवी को ऐसे प्लान करेंगे जैसे पैन इंडिया लेवल पर डिफरेंट लैंग्वेज में मूवी डिफरेंट कास्ट के साथ रिलीज हो। ऐसा काम मणिरत्नम ने किया था अपनी मूवी रावण के साथ, जब एक ही मूवी एक ही टाइम पर रिलीज हुई थी बट विद डिफरेंट कास्ट। यानी जो रावण मूवी थी वो विक्रम के साथ तमिल में रावण एडॉप्शन के साथ बनी थी और हिंदी में वही रोल अभिषेक बच्चन ने प्ले किया था, जबकि ऐश्वर्या राय ने कॉमन रोल प्ले किया था। यानी एक ही टाइम पे मूवीज को डिफरेंट कास्ट के साथ बनाना बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल भी होता है और पब्लिक को सेम टाइम पर सेम टेस्ट मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी होती है, बिकॉज दो बड़े एक्टर मोहनलाल और अजय देवगन को एक साथ पर्दे पर लाना और सेम टाइम पे दोनों से एक ही स्क्रिप्ट पर काम करवाना, दोनों की डेट की अवेलेबिलिटी को भी मैच करना बहुत बड़ा टास्क होगा। तो दोनों एक्टर्स इस बात के लिए राजी हो जाएंगे, बिकॉज मूवी जो फ्रेंचाइजी है बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है, इवन मलयालम से ज्यादा कमाई करती हिंदी वाली मूवी नॉर्थ इंडिया बेल्ट में। तो ऐसे में मेकर्स की ये डील बहुत अच्छी हो सकती है और पब्लिक को भी एक ऐसी मूवी का पार्ट देखने को मिलेगा जिसकी उत्सुकता बहुत हाई लेवल की है, बिकॉज पार्ट 1 के बाद लोगों को लगा था कि पार्ट 2 में क्या ही हो सकता है। बट जोसेफ ने इस मूवी के साथ बहुत गजब का ट्रीटमेंट पेश किया है। इसकी स्क्रिप्टिंग, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसके ट्विस्ट, इसके डायलॉग्स, इसके एक्टर्स, सब कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। ऐसे में पार्ट 3 के लिए सच में बहुत दिमाग लगाना होगा, बिकॉज दृश्यम 1 और दृश्यम 2 ने एक पैरामीटर सेट कर दिया है और उस पैरामीटर को तोड़ने के लिए बहुत ही क्रिएटिविटी की छलांग लगानी पड़ेगी। सो उम्मीद करते हैं दृश्यम 3 बहुत जल्दी आएगी और मोहनलाल अजय देवगन के दोनों वर्जन पब्लिक को सुपर थ्रिलिंग तरीके से एंटरटेन करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।